वतनों दूर देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। लवप्रीत खुदकुशी मामला दिन बर दिन गंभीर होता जा रहा है। इस कहानी विच रोज एक नवा मोड़ आ जाता है। हुण लवप्रीत खुदकुशी मामले विच दो शख्स लवप्रीत की पत्नी बेअंत के घर पहुंचे। दोहां ने बेअंत के परिवार तो पैसे बटोरन की कोशिश की है। दोवें शख्स खुद नूं भारतीय एंबैसी तो दस रहे सन। परिवार ने शक होने दोवां नूं पुलिस हवाले कर दिता है। बेअंत के कनेडा तो डिपोर्ट होने का हवाला दे रहे सन। इस मामले की परिवार ने वीडियो भी बनाई है। तुहानू दस दिए कि बीती रात दो व्यक्ति उसके पिंड खुडी कलां विखे आए, जिन्हां ने परिवार को दसिया कि वह भारतीय दूतावास तो आए हैं और लवप्रीत की मौत के कारण उसनू कनेडा तो देश निकाला दिता जाएगा। दोवें व्यक्तियों के परिवार ने शक किया और बाद विच पुलिस के हवाले कर दिता। सूत्रों अनुसार दोवें व्यक्ति लड़की बेअंत के परिवार को डरा धमका के जबरी पैसा बटोरना चाहते सन। पुलिस वालों जल्द ही इन्हां काबू किए व्यक्तियों के खिलाफ परचा दर्ज किया जाएगा। वही अपने 7:30-8 बजे घर आए जी, बाल के गड्डी ला ली, मैं कख पाई हो गई, कख पा मैं आ गया जो गड्डी आ गई घरे। उदू बाद एक मगर बैठा जी, जो मुलाजम बना जी, दूजा ड्राइवर चला जी। उस करके मेरे घर आ गए, मैं बैठो जी, चाह पानी पियो, पानी तानी पिया। उदू बाद मैं उठा के वो कहना भी बारे आ, बारे आ भी गड्डी को ले गया मैनू। उदू आना परे जाके मैं कहा तेरे नाल गल करनी आ भी इतने नहीं करनी है। मैं कहा मेरा तो घर यही है जी, होर मैं किसे करूँगा फिर। तो मैनू कहना भी इतने नहीं करनी, इतने आंटी वगैरह बैठी ने, बुढ़िया जी गल नहीं होंगी। उदू बाद मैनू बाहर जाके कहना भी कोई होर जगह देख। उ मेरे चाचे का मुंडा बाहर निकला जी, मैं कहा भी वो कोठी इन्हों की आ, उ बैठ के गल कर लो, मैं तो अनपढ़ है। मैनू कहना भी मैनू गुड्डी का नंबर दो दवा। मैं मेरे को किसे, मैं तो अनपढ़ सुनने वाला नहीं गला। तो उदू बाद मेरे चाचे का मुंडा बाहर आ गया, मैं हाक मार ली जी। वो होर मैं भी आह बंद मिलो जी आके, वो मिलया उन्होंने नाल लै गया घर अंदर बहा लिया जी। जो बहा लिया उन्हें पूछया भी तुम कितों आए हो, उन्होंने जाने रह जाना कोई देर बिछ मार के। उदू बाद ही चाह पानी से उन्होंने लिया लिया, ठंडा ठुंडा पिया, ठंडा ठुंडा पिया के मेरे चाचे का मुंडा कहना भी सरपंच नूं लै गया। उदू बाद मैं मोटरसाइकिल लेके जाके ही सरपंच नूं बुला के लिया। सरपंच ने आके पूछया भी की गल है, कितों आया तू, तो उन्होंने कोई राह नहीं समझ के दिता जी। उदू बाद सरपंच ने मुलाजम फोन करता जी, चौंकी को इन्हें मुलाजम आ गई। बाकी ड्राइवर मेरे घर बैठा जी, वो मेरे चाचे घर बैठा जी। कहते ही कनेडा तो आए जी, थोड़ी कुड़ी 8 दिन घरे आज, पैसे मांगते ही कहते साड़ी 2 लाख रुपया फीस है जी, छोटे सारा कुछ बचत कर देंगे, छोटे के 7 परचे हुए जी, अंधे राह बैठे जी। मैं दाखिल हुई जी, हाँ भी 2 लाख रुपया साड़ी फीस है, 50 पहला दे दो, दूर बाद दे दो, छोटा सारा मसला हल कर देंगे। दो जी हूँ तो अभी परचा करा रहे हैं, की करिए जी, हुण परेशान तो पहले ही हाँ, ये आके होर सन बहुत तंग कर रहे। लवप्रीत खुदकुशी मामले का पंजाबी महिला कमीशन की चेयरमैन मनीषा गुलाटी ने नोटिस लिया और उन्होंने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा भी दिता है। कुड़ी के परिवार ने मामले का दूजा पक्ष पेश किया। लड़की के परिवार का कहना है कि साड़ी धी का कोई कसूर नहीं।